किरामल जी ने जो इंस्टीट्यूशन बनाई थी, किरामल जी के पास अभी 50 हेक्टर जमीन है आज की तारीख में, जिसमें से 30 हेक्टर जमीन थे, बड़े बड़े थे बाबूलाल जी, उससे छोटे थे गोपी किशन जी और सबसे छोटे थे डॉक्टर मोहनलाल, ठीक है ना। तो किराम बाबूलाल जी जो थे चेयरमैन थे, वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, और आचार्य नरेंद्र थे और ये सब जो है ना मधुली में ये सब बाबूलाल जी के पार्षद थे, तो बहुत बड़े सोशलिस्ट थे। मजरे जो थे वो गोपी किशन, तो इन्होंने एक पहले ट्रस्ट बनाया था, ठीक है ना। तो पहले उस फिर 1970 में जब ये दोनों भाई अलग हुए, तो गोपी किशन जी के 3 लड़के हैं और मोहनलाल जी के 3 लड़के हैं, तो एक लड़कियों का सेटअप था एक लड़कियों का सेटअप था। आज 3 ट्रस्टी है, पूर्वी अशोक किरामल, दलीप जी, एक ही बहुत बड़ा ट्रस्ट है। फिर इन्होंने अपने CSR में अलग अलग काम शुरू, आज अजय बाबू का इतना बड़ा CSR हो मुंबई, यहाँ भी अजय बाबू ने लड़कियों की जो 7वीं 8वीं 10वीं पास लड़कियां, Thank you.
अजय पीरामल फाउंडेशन के जो आनंद पीरामल है, जो अब आनंद पीरामल जो है वो एक ऐसे युवा है जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पहले लंदन में की, फिर यूएस में की, और उनका पूरा प्रारंभिक जीवन जो है विदेश में गुजरा, लेकिन उनके मन में उनकी जो एमबीए की रिसर्च है वो पीरामल ईस्ट की ही है। उनके मन में ये है कि भारत वैसे तो आज़ाद हो गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की अभी सुविधाएं पूरी नहीं है, इसलिए उस दृष्टिकोण से पूरा भारत आज़ाद नहीं है। उनके मन में पूरी ये टीच थी, तो उन्होंने सबसे पहले बग्गड़ में वो एक एक दो दो महीना रहते थे। 2005 में वो उन्होंने काम शुरू किया था, तो ई स्वास्थ्य उन्होंने शुरू किया था और बग्गड़ में एक एक दो दो महीने रह के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में जा जा के देखते थे कि यहाँ क्या समस्याएं हैं क्या। और उन्होंने एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, पीरामल जल वाला भी उन्होंने किया, ई स्वास्थ्य वाला भी उन्होंने किया, उद्गम वाला भी इन्होंने किया, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लोग रहते हैं वो भी सारा आनंद पीरामल ने किया। तो उन्होंने ये सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो उन्होंने इस सुविधा के विस्तार के लिए जो उनका डेजर्टेशन का विषय था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तो उन्होंने इस पर बहुत काम किया। और आप विश्वास नहीं करोगे कि आनंद पीरामल एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो 50 डिग्री सेल्सियस धूप में गाँव में घूमते थे। बचपन से ही बग्गड़ में आते हैं, जब छोटे बच्चे थे तब से बग्गड़ में आते थे, लेकिन उन्होंने बग्गड़ को इसलिए चुना कि उनके पूर्वजों की वो मातृभूमि है। हालांकि आनंद पीरामल जी भी बग्गड़ में पैदा नहीं हुए, अजय बाबू भी बग्गड़ में पैदा नहीं हुए, पीरामल जी बग्गड़ में पैदा हुए थे, लेकिन आनंद पीरामल जी का आज भी बग्गड़ में पूरा लगाव है। और बग्गड़ में उन्होंने रह के जिस कठिन परिस्थितियों में, मैं उनके पीछे पीछे भी जाता था, बोले ओझाजी आप मेरे पीछे पीछे नहीं आएंगे, मैं जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, तो धूप में भी घूमते थे, खूब घूमते थे। और उनके लिए एक कुक था, उसे बिल्कुल सिंपल खाना, बॉइल्ड खाना, तेल वेल कुछ नहीं खाते थे। एक बड़े सूफी आदमी की तरह से आनंद पीरामल ने अपना यहाँ पे पूरा प्राइवेट। देखिए वैसे ये परिवार पिछले 40 साल से आपस में जुड़ा हुआ है, और अशोक बाबू के लड़के की शादी जब जयपुर में हुई थी तो उसमें अजय पीरामल जी ही सारा काम देखते थे, तो मैं भी उस शादी में गया था 2000 में, तो मुकेश जी अंबानी आए थे, उनकी धर्मपत्नी आई थी, ये बच्चे आए थे, और उन्होंने गणेश वंदना पे जो है ना एक्शन डांस किया था मिसेज अंबानी ने। उसके बाद अजय बाबू की लड़की की शादी हुई थी नंदिनी जी की जयपुर में, तब भी मुकेश जी का पूरा परिवार आया था। इन परिवार का आपस में बहुत पहले घनिष्ठता है। मैं सुभाग कांक्षणी ईसा जी से ज़्यादा बचपन में उनको देखा था, और वो भी बहुत, उनके माता जी भी जो है ना एनजीओ चलाती है, ईसा जी भी चलाती है, तो बग्गड़ को निश्चित रूप से फायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि जब विश्व की जोड़ी नंबर एक है आज दुनिया की जोड़ी नंबर, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये दुनिया की जोड़ी नंबर एक रहे, और इसको बग्गड़ क्या पूरे भारत को फायदा हो, इनका विश्व में नाम हो। बग्गड़ तो ठीक है, बग्गड़ में तो इनके पूर्वजों ने भी काम किया है, सब किया है, बग्गड़ से ये जुड़े हुए हैं, बग्गड़ इनके पूर्वजों की मातृभूमि है। पूरे राजस्थान को, पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को फायदा होने वाला है। तो मैंने वहाँ मिला था तो उनको चेहरे पे बड़ी खुशी थी, हालांकि मुझे मुंबई में थोड़ा सा अंदाज लगा था कि, लेकिन मुझे बताया नहीं गया था। फिर मैं तो 6 तारीख को यहाँ आया, तो मैंने मेरे फ़ोन पे आज तक मैं आया तो मैंने उनके
अजय बाबू के बड़े भाई हैं दिलीप जी, जो इस समय सबसे बड़े हैं, उनको फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे आ रहा। बोले हाँ ओझा जी, ये बहुत खुशी की बात है। वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे दिलीप बाबू कि हमारे परिवार के लिए बहुत गौरव है, ये सही बात है, आप इनको सबको कहिए। तो मुझे उन्होंने बोला कि ओझा जी, हमारे परिवार के लिए बहुत आज शुभ दिन है, बहुत बड़ी बात है और ये सही बात है। तब मैंने सब लोगों को बुलाना बताना शुरू किया। बगड़ में कैसा, बगड़ का नाम विश्व में हो गया, तो इससे अच्छा बगड़ के लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। आज दुनिया के सारे देश की दो बहुत पूंजीपतियों के बच्चे ने आपस में शादी की है, तो उनका पूरे विश्व में आजकल पत्रकारिता ऐसी फैली हुई है, सारे जो है मीडिया है सब उसने किया है, तो पूरे विश्व में एक छोटा सा गांव 15,000 की आबादी का वाला गांव, और वो गांव पीरामल जी के पीछे विश्व के नक्शे पे आज आ गया, तो ये हमारे लिए सब पकड़ वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। सब यानी हर आदमी खुशी है कि पीरामल परिवार का और मुकेश जी अम्बानी का संबंध हुआ है, ये बहुत गौरव की बात है, ये बगड़ के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं ये बहुत दावे से कह सकता हूँ, मेरे से बहुत से लोगों का फ़ोन आया है, सब लोगों ने कहा कि ये इतिहास बन गया। तारीख तो डिसाइड करना पंडित का काम है, वो करेंगे। तो है कि हाँ, अजय बाबू जो भी काम करेंगे, दोनों परिवार बड़े बड़े सनातनी परिवार है, दोनों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है। अम्बानी जी को भी मैं जानता हूँ, उनके घर में मंदिर है, और जो बनारस के आचार्य हैं काशी विश्वनाथ के, वो दोनों परिवार से जुड़े हुए हैं, वो मेरे भी दोस्त हैं, मुझे भी बताते हैं, उनको भी पद्मश्री मिला हुआ है, तो वो भी बताते हैं कि दोनों परिवार बहुत आस्तिक है। पूरा पलक पांवड़े बिछा के हम लोग बैठे हैं, बहू यहाँ आएगी तो उसका हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और हम उस दिन के इंतजार में हैं कि जब हमारे विश्व की जोड़ी नंबर एक हमारे बगड़ में आए और यहाँ पे अपने पूरे पूर्वजों को प्रणाम करें, अपने देवी देवताओं को धोके, उनका शाकंभरी माता उनका कुल देवी है, वहाँ भी जाएं और भी जाएं, तो ये तो इसके लिए पूरा इंतजार है हर आदमी।